लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास सन है और हमें मालूम है कि सन से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव ही ट्रेवल करती है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक वुड का पीस पड़ा हुआ है। वुड की एक जो है वो हमारे पास स्टिक पड़ी हुई है यहाँ पर इस तरीके से, ये वुड की एक स्टिक है। अब होता ये है कि सन से क्योंकि लाइट रेज प्रोड्यूस हो रही है तो बहुत ज्यादा लाइट की रेज इस तरफ भी आ रही है। अब फर्क कर लेते हैं कि कुछ लाइट की रेज इसके ऊपर आई और इस रॉड के ऊपर, ये जो हमारी वुड स्टिक है, यहाँ पे लिख देना चाहिए कि हमारा वुड का पीस है, इस वुड के साथ आके हिट करती है और हिट करने के बाद इसी पॉइंट पर बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, यानी कि जिस रास्ते से आई है टकराने के बाद दूसरे रास्ते से मुड़ जाती है वापस और उस चीज के अंदर नहीं जाती। जब रोशनी या पानी की वेव किसी चीज से टकराए और दूसरे रास्ते पर चली जाए तो इसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन है, लाइट की हो या चाहे वाटर वेव की हो, अगर जो वेव है वो किसी एक रास्ते या मीडियम से टकरा कर वापस पलट जाए, उसी रास्ते पर नहीं बल्कि दूसरे रास्ते पर वापस पलट जाए, तो इस चीज को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसने यहाँ पर आकर, यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ किया ताकि हमें आसानी हो जाए। अब हम लोग ये कहते हैं कि लाइट ये जो ई डी थी ये इस पॉइंट पर ए ओ कह देना चाहिए, सेंटर पॉइंट को ओ, ई ओ पॉइंट पर आकर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंगल बनाती होगी ना, जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होकर आ रही है तो कोई ना कोई एंगल तो बनाया होगा हमारी बुक की सरफेस के साथ। लेट्स सी, इसे कह देते हैं कि ये थीटा 1 है। और जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन, जब ये वापस गई है पलट कर दूसरे रास्ते से गई है वापस, तो यहाँ पर भी इसने कोई ना कोई एंगल बनाया होगा, इसे एंगल 2 कह देते हैं। और जब भी लाइट लाइट की या लाइट की बात की जाए, लाइट की वेव की या लाइट की रेस की बात की जाए या वाटर वेव की बात की जाए, और ये किसी और ये दोनों ही वेव, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी, जब वेव किसी ऐसी चीज से टकराए कि वो उसके अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए बल्कि उस चीज से टकरा कर दूसरे रास्ते पर मुनक्किस हो जाए, दूसरे रास्ते पर पलट जाए, दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े, तो इस चीज को रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन का मेन पॉइंट ये है कि अगर लाइट की रेज या वाटर वेव किसी चीज से टकराए तो वो टकराने के बाद दूसरे रास्ते की तरफ जो है चल पड़ती है, अपना रास्ता जो है वो तब्दील कर लेती है और दूसरे रास्ते की तरफ चली जाती है और उस चीज के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इस चीज को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि मिरर्स में भी, मिरर्स में भी जो है वो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन नहीं होती। मिरर की भी एक सतह आपको मालूम है कि वो ट्रांसपेरेंट होती है और दूसरी नॉन ट्रांसपेरेंट होती है। जब लाइट की रेज उसे टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है तभी हमें हमारा इमेज जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है, तो इस चीज को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। थीटा आई जो है इसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, यानी कि वो एंगल जो इंसिडेंट पर बनता है, यानी कि जो एंगल लाइट की रेज बनाती है आते वक्त किसी मीडियम के साथ, उसे हम लोग इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और वो एंगल जो लाइट की रेस किसी वास्ते या मीडियम से टकरा कर दूसरे रास्ते पर जाते हुए बनाते हैं, यानी कि हमारा जो एंगल 2 है उसे एंगल आई कहा पर, इसे एंगल 2 बल्कि इसे एंगल 1 कहना चाहिए और इसे एंगल 2, ये एंगल हमारा 1 है, ये एंगल हमारा 1 है और ये बनाते हैं हमारा एंगल 2 है। इस एंगल को हम लोग इसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को थीटा आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट को जो है वो थीटा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मुझे यहाँ दोनों टर्म पर जो है वो एंगल आई और एंगल आर ही यूज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है उसे हम लोग थीटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को जो कि एंगल टू के इक्वल है उसे एंगल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन अगर इस तरह से हो कि हमारी जो लाइट रेज है, हमारा सन है इससे हमारे पास लाइट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट की रेज आ रही है इससे, और ये लाइट की रेज जो है वो किसी वाटर सर्फेस के ऊपर पड़ती है, इस तरीके से ये हमारे वाटर है, इस वाटर सर्फेस के ऊपर भी हमारी जो सन है उससे रेज आ रही है, लाइट की रेज उस वाटर सर्फेस के ऊपर पड़ती है। अब अगर इस तरह से हो कि लाइट की कोई रे आए हमारी वाटर सर्फेस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाए, लेट्स सी कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है और हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना चाहिए ताकि हमारी ये आसानी हो, इसे हम लोगों ने ओ पी का नाम दिया है, ये हमारा परपेंडिकुलर है ओ पी है और यहाँ पर हमारी लाइट की जो रे है, लेट्स सी कि ये ओ ओ पी रे है, ये यहाँ पर आती है वाटर की सतह के साथ हिट करती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है। और होता ये है कि अगर लाइट की रे
अब इस वाटर सरफेस के अंदर चले जाए, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, यानी कि इस तरीके से कि ये हमारे जो परपेंडिकुलर है उसके साथ कोई ना कोई एंगल बनाती हुई इस तरह से अंदर चले जाए, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम लोग अभी भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही कहेंगे, और इसे थीटा आर से जाहिर करेंगे। लेकिन अब ये रिफ्लेक्शन ही बल्कि रिफ्रैक्शन कहलाएगी, क्योंकि लाइट की जो रे है वो दूसरे मीडियम या वास्ते के अंदर दाखिल हो रही है। जब लाइट की रे या वाटर वेव किसी दूसरे मीडियम या वास्ते के अंदर चली जाए, मीडियम के अंदर चली जाए, जैसे कि हमारा एयर था, एयर से वाटर के अंदर जो हमारी लाइट की रेज है वो पेनिट्रेट कर रही है, उसके अंदर जस्ट हो रही है, उसके अंदर दाखिल हो रही है, तो अब इस चीज को जो है हम लोग रिफ्रैक्शन कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि ये जो है लाइट की रेज इसके अंदर जा चुकी है, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है हमारे। और अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन की केस में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में इस तरह से नहीं होता कि हमारा इंसिडेंट एंगल हमेशा हमारे रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर हो, इस तरह से नहीं होता, बल्कि इसमें थोड़ा सा केस डिफरेंट होता है। इसमें हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो डिपेंड करता है कि हमारी जो लाइट की रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अब अगर आपको ये मालूम करना हो कि लाइट की रे जो कि एयर से आपकी वाटर में जा रही है, आपको तो मालूम है कि लाइट की जो रेज होते हैं, लाइट की जो स्पीड है, लास्ट टाइम जो हमने स्पीड ऑफ लाइट को डिटरमिन किया था उसके बारे में एक्सपेरिमेंट पढ़ा था माइक्रोसन का, तो हमने बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वैक्यूम में, और एयर में दोनों, वैक्यूम में भी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ही करीब होती है एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की, तो जो एयर और वैक्यूम है दोनों में स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली काफ़ी इक्वल होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है। लेकिन अब चूंकि हम कह रहे हैं कि हमारे सन से जो लाइट की रेज है वो वाटर की सरफेस के अंदर चली गई है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो गई है उसके अंदर, तब उसकी हमें स्पीड बतानी हो कि एयर में तो उसकी स्पीड इतनी है लेकिन वाटर में उसकी स्पीड कितनी हो गई है, यानी कि वाटर में जाके आया कि उसकी स्पीड स्लो है या हल्की है, तो किसी दूसरे मीडियम में वाटर के अलावा, यहाँ पे अगर हम लोग अल्कोहल इस्तेमाल कर लेते, यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो मिरर इस्तेमाल कर लेते, शीशा इस्तेमाल कर लेते, या हम लोग यहाँ पे डायमंड इस्तेमाल कर लेते, तो हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसमें फर्क पड़ जाता। एयर में स्पीड ऑफ लाइट और किसी दूसरे मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो को डिटरमिन करना, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्लेक्टिव नहीं होता बल्कि रिफ्रैक्टिंग होता है, क्योंकि हमारी जो लाइट की रेज है वो दूसरे मीडियम के अंदर तो चली गई है, तो हमें इसे कहना चाहिए कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्योंकि लाइट दूसरे मीडियम के अंदर जा चुकी है, उसके अंदर पेनिट्रेट कर चुकी है, उसके अंदर दाखिल हो गई है, तो इसलिए हम लोग इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और चूंकि आपको मैं लाइट की स्पीड या स्पीड के बारे में मालूम करना है कि जो लाइट की स्पीड है वो एयर और किसी दूसरे मीडियम में जाके कितना फर्क आता है, आया कि किसी दूसरे मीडियम में जाके वो तेज हो जाती है या थोड़ा सा लाइटर हो जाती है, इस चीज की अगर रेशो को डिटरमिन करना हो तो ये रिफ्रैक्शन से ही बने हैं, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। जैसे कि अगर आप इसी मिसाल से समझना चाहें कि जैसे कि आपके लिए गाड़ी को चलाना, एक गाड़ी को चलाना या आपका खुद चलना सड़क के ऊपर, जिसे हम लोग कह देते हैं कि रोड के ऊपर चलना काफी आसान है एज कम्पेयर कि आप वाटर के अंदर चलें। वाटर के अंदर आपके लिए चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हालांकि आप लोगों ने चाहे ऑक्सीजन पंप वगैरह लगाए हों, लेकिन अगर आपको वाटर के अंदर चलना पड़े तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर कि आप जो है वो रोड के ऊपर आसानी से चल सकते हैं। इसी तरह जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसे भी जो है उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में ज्यादा होती है, और जब वो किसी दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम लोग कहते थे कि ये रिफ्लेक्शन एंगल है और ये वाला जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो जब लाइट की रेज जो एयर से किसी भी वाटर या किसी भी मिरर में दाखिल होती है तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। और अगर हमें ये मालूम करना हो कि उस मीडियम में जाकर इसकी स्पीड कितनी हो गई है हमारी एयर के लिहाज से, यानी कि मैं ये कहूँ कि हमारी जो ये लाइट की स्पीड है वो एयर के लिहाज से वाटर में जाकर कितनी चल रही है,
तो मुझे ये कहना चाहिए कि जो रिफ्लेक्ट, जैसे मैं एक तरह से बता सकती हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट ये बराबर होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, इसे डिवाइड कर दिया जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट हमारी एयर या वैक्यूम में कितनी है और स्पीड ऑफ लाइट उस वाटर के अंदर या उस मीडियम में जाकर कितनी हो गई है। तो इस चीज को हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज के अंदर स्पीड की लाइट स्पीड ऑफ लाइट को डिटरमिन करना विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, तो इस चीज को हम लोग जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं और इसे मोस्टली एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो सीओ सी है, चूंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के इक्वल है, और किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्पीड ऑफ लाइट का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। स्पीड ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है वो ये होता है कि किसी भी मीडियम से लाइट का टकराव कर दूसरे रास्ते पर मुनक्किस हो जाना या दूसरे रास्ते पर चलना शुरू कर देना। और स्पीड ऑफ लाइट जो है, अगर अगर लाइट की रे किसी वास्ते या किसी मीडियम पर इस तरीके से पड़े कि उस मीडियम के अंदर दाखिल हो जाए, तो इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि हमारी जो रे लाइट की रेस है वो किस मीडियम से किस मीडियम में दाखिल हो रही है। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में आप जान चुके हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम कि किसी भी की रेशियो ली जाए, अगर यानी कि अगर हमें ये बताना हो कि स्पीड ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाके आया कि तेज होती है या कम होती है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो इस चीज को जो है वो हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे कि हमारा जो वाटर है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का, ये जो एन है वो 1.33 है। सिमिलरली जो हमारा डायमंड है, डायमंड के लिए जो एन की वैल्यू है वो तकरीबन 2.42 आती है। इसी तरह मुख्य मीडियम के लिए भी जो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट होता है।